एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीरा ट्यूटोरियल्स। आज मैं 31 मार्च 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गांव राजस्थान का पहला लीकर फ्री विलेज बन गया है? करेक्ट आंसर है कच्छबली। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित भीम तहसील के कच्छबली गाँव में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए राजस्थान एक्साइज एक्ट 1975 के प्रोविजन के तहत देसी शराब की दुकानें बंद की गई। पंचायत के 9 वार्ड्स के 95% वोटर्स ने शराब को बंद करने के फेवर में वोट दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गवर्नर कल्याण सिंह, चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, राजसमंद की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्चना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर सेटअप किया जाएगा? करेक्ट आंसर है मुंबई। भारत में होने वाले फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में डील किया जाता है। 2013 में सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में रजिस्टर्ड हुए 259 केसेस में से 85 केसेस इंडियन कंपनीज के थे। इस आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम है MCIA, मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। यह उन इंडियंस को अट्रैक्ट करेगा जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की हियरिंग के लिए सिंगापुर जाते हैं, और यह 200 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू टारगेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट ने किस यूनियन टेरिटरी के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज अनाउंस किया है? करेक्ट आंसर है दिल्ली। इस यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज से सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रमोट होगा। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस सेटअप किया जाएगा और बिल्डिंग प्लान्स को 30 डेज में अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही पहले परमिशन लेने में 40 दिन लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 14 दिन लगेंगे। पेमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली हो पाएगा। इस बायलॉज में 33 साल के बाद अमेंडमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, गवर्नर नजीब जुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राइमरी स्कूल्स में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेशनल एंथम, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, उसे प्राइमरी स्कूल्स में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, और स्कूल्स में वेडनेसडे को स्वच्छ दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूपी की कैपिटल लखनऊ, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, एजुकेशन मिनिस्टर अहमद हसन फॉर प्राइमरी, बलराम यादव फॉर सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट अफ्रीका को इबोला फ्री घोषित किया है? करेक्ट आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिसंबर 2013 से लगभग 11,000 लोगों की इबोला वायरस के कारण डेथ हो चुकी है। वेस्ट अफ्रीका में लीबिया लास्ट अफेक्टेड कंट्री थी, और लास्ट 42 डेज में इबोला से रिलेटेड कोई भी केस नहीं होने से WHO ने इसे पूरी तरह से इबोला फ्री घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, WHO के चेयरमैन मार्गरेट चेन, इसे 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCR किस अरब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट इंडियन चेयर सेटअप करेगा? करेक्ट आंसर है अइन शाम्स यूनिवर्सिटी ASU। इसके लिए हुए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन अकेडमिशियन को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि फर्स्ट इंडियन प्रोफेसर होंगे जिन्हें फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाएगा। ASU को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह तीसरी सबसे बड़ी इजिप्टियन यूनिवर्सिटी है। ICCR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन एम्बेसडर टू इजिप्ट संजय भट्टाचार्य, ASU के प्रेसिडेंट प्रोफेसर
अब्दुल वाहब इजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एफपीआई इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? करेक्ट आंसर है 1,40,000 करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट डेब्ट्स में एफपीआई की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट 7,000 करोड़ रुपीस है, जिसे बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ रुपीस कर दिया है और इसमें 5 जुलाई से फर्दर इंक्रीज होगा जो कि 1,44,000 करोड़ रुपीस हो जाएगा। एफपीआई क्या है? एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनके थ्रू कंट्री में फंड की एंट्री होती है और ये फंड इन फॉरेनर्स के द्वारा कंट्री की बैंक में डिपॉजिट किया जाता है या फिर ये देश के स्टॉक और बॉन्ड्स मार्केट में परचेज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के प्रेसिडेंट यूके सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को 14,251 करोड़ रुपीस का लोन देगा? करेक्ट आंसर है जापान। जापान यह लोन 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को देगा। इन प्रोजेक्ट्स के नाम और इसकी कॉस्ट आप स्लाइड में देख सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन मध्य प्रदेश, इंटीग्रेशन सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की पहली महिला स्पीकर किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है गुयेन थी किम नगान। ये वियतनाम की पहली महिला स्पीकर बनी है। इसके साथ ही इन्होंने चेयरपर्सन ऑफ नेशनल इलेक्शन काउंसिल 477 में से 467 वोट्स से जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग, प्रेसिडेंट तरान डई क्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएसए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है जितेंद्र जगोटा। इन्हें एक साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में अपॉइंट किया गया है। आईडीएसए जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यह इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के बीच इंटरफेस का काम करता है और यह इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करता है। इसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा। सेंट्रल साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक में 2013 से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच कम्युनल वायलेंस के कारण पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, लेकिन अब फॉस्टिन आर्चेंज टोडेरा अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल बांगुई, इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप अराइज भारत के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? करेक्ट आंसर है नैनीताल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स मिशेल ने एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज अराइज लॉन्च किया। यह स्टार्स के स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। यह उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवास्थल में स्थित है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने इंडियन नेवी के 15 अल्फा क्लास वारशिप्स के लिए पहला इंडिजीनियस सोनर डोम बिल्ड किया है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? करेक्ट आंसर है मनोहर पारिकर। इसे पुणे स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किनेको लिमिटेड पिलैड ने गोवा में की गई। सोनर डोम्स एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि डिटेक्शन नेविगेशन और रेंजिंग के काम आता है। इन्हें पर्टिकुलरली
एंटी सबमरीन वारफेयर्स के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।